So hello students, welcome to अभिमन्यू IAS. My name is रिश of your faculty of English. I hope you all are doing fine. और उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से तैयारी में लगे होंगे. एंड आज हम इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन में भी डील करने के लिए. एंड कोई फिल इन द ब्लैंक अगर आ जाता है या फिर कोई डायरेक्ट आपको किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है. ओके सो चलिए फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट? ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर अभ्यास 2.0 course which has been launched, okay? And in this particular course you'll get 75 days classes, right? And offline online दोनों फॉर्म में ये बैच अवेलेबल रहेगा. So whosoever is interested you can go for it. बाकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी I will be telling at the end of the session, right? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन. अब देखिए, फर्स्ट वर्ड इज कोविनेंट. कोविनेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, है ना, कोई पैक्ट साइन करते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुबंध या फिर प्रतिज्ञा पत्र. ओके जस्ट अ मोमेंट. ओके, अनुबंध या फिर प्रतिज्ञा पत्र, राइट? फिर हमारा अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं एक बार. कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. अकॉर्ड हो गया, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी, प्रोमिस, ठीक है. अब कैसे इनको याद करेंगे? एक तो कोविनेंट, जस्ट अ मोमेंट. राइट, अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ट्रीटी साइन करते, राइट? अब ये ट्रीटी है क्या? ट्रीटी पता है आपको, जब कोई दो लोग हैं, ठीक है, जब उनके बीच की कंडीशंस, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई एक्स और वाई, कोई दो लोग हैं, राइट, और इनके बीच में कुछ कंडीशंस इसकी होंगी, कुछ कंडीशंस इस इंसान की होंगी, ठीक है. और जब इन दोनों की कंडीशंस को ये एग्री करेंगे तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे, दे विल साइन अ पैक्ट और यू कैन से अ ट्रीटी, राइट? तो इसी को बोलते हैं कोविनेंट. कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अकॉर्ड, पैक्ट हो गया या एग्रीमेंट हो गया, ट्रीटी हो गया, प्रोमिस हो गया, ठीक है. ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं. सेकंड इज ग्रफ. ग्रफ का मतलब क्या होता है? ग्रफ का मतलब होता है एकदम कर्कश साउंड, ठीक है, कर्कश, एकदम रूखा आचरण, है ना. और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे वो समझिए. रफ, हार्श, ठीक है, थ्रोटी हो गया, या फिर रैस्पिंग हो गया बात, ठीक है, समझ आ रही बात? रैस्पिंग हो गया, थ्रोटी हो गया, ओके. ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं. बात समझ आ रही है? किसके? ग्रफ के. ग्रफ का मतलब थोड़ी सी रफ साउंड, ग्रफ. अब इसको ऐसे याद कर लो, जैसे ग्रफ वर्ड है, ग्रफ वर्ड में ना रफ, ग्रफ, रफ साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है रफ या फिर हार्श, ठीक है, या फिर थ्रोटी यू कैन से, है ना. नेक्स्ट वर्ड इज रेवेज. अब रेवेज का मतलब क्या होगा? एकदम तनाव, ठीक है, इसका मतलब होगा तनाव, ठीक है. तनाव भी नहीं होगा वैसे, सर्वनाश होगा इसका मीनिंग, ठीक है. सर्वनाश कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है, तो उस सेंस में हम बोलते हैं रैवेज. अब रैवेज में एक साउंड छिपा है, डैमेज, ठीक है, डैमेज. तो रैवेज को कैसे याद कर सकते हो आप? डैमेज, ठीक है, डेमोलिश कर देना, है ना, डैमेज हो गया, डेमोलिश हो गया, राइट. और डेवेस्टेट करना, है ना, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, रूइन कर देना, डेवेस्टेट कर देना, ठीक है. एनिहिलेट का भी मतलब होता है, एनिहिलेट, ठीक है, इसको भी याद करिए, एनिहिलेट. तो इसका भी मतलब होता है सर्वनाश करना या खत्म करना या तबाह कर देना, राइट. नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोपीटिएट. प्रोपीटिएट का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को खुश करना, राइट, किसी को मनाना, किसी को खुश करना, या फिर किसी को शांत करना, ठीक है ना. किसी को शांत करना, किसी को खुश करना, या किसी को मनाना. इज दैट क्लियर? अपीज करना किसी को, किसी को अले, किसी को अलीविएट करना, ठीक है. अलीविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, राइट, टू रिड्यूस समथिंग, अलीविएट करना, ठीक है, अस्वेज करना, किसी को शांत करना, अस्वेज, ठीक है ना, या फिर प्लेकेट, किसी को शांत करना, प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना, सेटिस्फाई या फिर एक पैसिफाई करना भी इसमें ऐड करो। पैसिफाई काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सूद समवन। अब इससे एक और वर्ड आता है सूद, इसका भी मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई का भी मीनिंग होता है शांत करना, टू मेक समवन फील बेटर, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेमोनिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रेमोनिशन? कोई जैसे इंट्यूशंस आती है ना हमें, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रेमोनिशन, इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं फोरबोर्डिंग, या फिर हम बोलते हैं कई बार इसको फोर वार्निंग, ठीक है, फोरबोर्डिंग, फोर वार्निंग, है ना। जैसे हमें एक टेलीपैथी भी जिसको बोलते हैं ना हम लोग, टेलीपैथी क्या होती है कि दूर से थोड़ा सा फील आ जाता है कि है ना कुछ ऐसा होगा, या है ना घर वाले बोलते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि आज है ना कि तुम आने वाले हो, या फिर हमें केवल लगता है कि कोई दोस्त आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, दैट इज़ टेलीपैथी। या ये खाने का मन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली कई बार वो चीज़ घर पर बनी हुई मिल जाती है, दैट इज़ टेलीपैथी। थोड़ा डिफरेंस इसमें, बट प्रेमोनिशन, फोरबोर्डिंग, प्रेसेज, फोर वार्निंग हो गया, राइट, या फिर प्रोग्नोस्टिकेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोग्नोस्टिकेशन। क्या मीनिंग होगा इसका? प्रोग्नोस्टिकेशन का भी मतलब होता है इंट्यूशन, ओके, या फिर इंट्यूशन, हंग हो गया, हंच हो गया, या फिर ऑगरी, जैसे ऑगर नहीं होते, ठीक है, AUGUR करना इसको, जो साधु लोग होते हैं या जिन्होंने सिद्धि वगैरह कर रखी होती है ना, सो इसीलिए वहां से वर्ड है ऑगरी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड इज डायलेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? डायलेट का मीनिंग क्या होगा बताएगा कोई? डायलेट का मतलब होता है फैलना, जिसको हम बोलते हैं एक्सपैंड, राइट, एनलार्ज करना, वाइडन करना, एम्पलीफाई करना, राइट, एनलार्ज, वाइडन करना, एम्पलीफाई करना, एक्सपैंड करना, ठीक है। एम्पलीफाइड का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग, राइट। फिर आता है टॉर्पिड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है? टॉर्पिड का मीनिंग होता है वेरी लेजी, वेरी आइडल, वेरी इनएक्टिव, है ना, डल, ठीक है, यू कैन सो लैकेडेसिकल, एक काफी अच्छा वर्ड है, एक मिनट, लैकेडेसिकल, ठीक है, याद रख सकते हो इस वर्ड को, लैकेडेसिकल भी, है ना, जिसमें लैक क्या, मूवमेंट का लैक, ठीक है, और फिर डल हो गया हमारा, इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना, ठीक है, लैकेडेसिकल, राइट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, लेके इसमें आए लैकेडेसिकल, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया लैकेडेसिकल, हो गया इनएक्टिव, हो गया डल, लथार्जिक, आइडल। आइडल का मतलब सुस्त एकदम, एक काफी अच्छा वर्ड है क्यूएसेंट, QUIESCENT, स्लीपी हो गया, या फिर एक और वर्ड ऐड करो मंडेन। मंडेन का मतलब होता है डल, एकदम बोरिंग। एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो, हैकनेड, इसका मतलब होता है एकदम घिसा पीटा, ठीक है, पुराना हो चुका, काफी आउटलैंडिश भी आप बोल सकते हो, आउटलैंडिश या फिर आउटडेटेड, ठीक है। ये सारे सारे वर्ड जब आपको एप्रोप्रिएशन की बात करी जाएगी, व्हेन यू आर आस्क्ड फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट, तो उस केस में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अदरवाइज टॉर्पेड का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बट सुस्त मतलब डल भी आ जाता है केवल उसमें, और जब डल वर्ड आ गया तो डल के ये मोस्टली डल के सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं, लैकेडेसिकल हो गया, मंडेन हो गया, हैकनेड हो गया, आउटलैंडिश, आउटडेटेड, राइट। ओके, फिर आता है इनएक्टिव, पता है आपको, लेथार्जिक, आइडल, क्वेसेंट, स्लीपी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको, बाद में रिवाइज करना है। नेक्स्ट वर्ड इज नेविश, KNAVISH, नेविश। एक हमारा वर्ड होता है नेव और एक ये वाला नेव होता है NAVE। इस वाला नेव का मतलब होता है इनोसेंट, राइट, एंड इस वाले नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। क्लियर? सो इस वाले नेव का मीनिंग है इनोसेंट, इस वाले नेव का मीनिंग है डिसऑनेस्ट, राइट। नेविश का मतलब होगा अनस्क्रुपुलस, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, धोखेबाज, कनिविंग, कनिविंग, ठीक है। एक कनिंग होता है, राइट, एक कनिंग होता है, एक होता है कनिविंग। तो याद रखिएगा, क्राफ्टी जो काफी ज्यादा चालाक होता है, कनिंग, राइट। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है लैकोनिक। लैकोनिक का मीनिंग देखिए, ब्रीफ, एकदम कंसाइज वे में, ठीक है। टर्स, एकदम समराइज करना उसको, ठीक है। सकिंट, स्किंग, ठीक है। फिर आता ग्रफ, ग्रफ में थोड़ा सा, एक हमने ग्रफ पढ़ा पीछे, रफ है ना, ये वाला ग्रफ। यहां पे ग्रफ का मीनिंग दिखा रहा है एकदम से ब्रीफ, ठीक है। फिर आता है ब्रूसेक, BRUSQUE, ब्रूसेक। इसका मतलब होगा आपका कंसाइज वे। रेटिसेंट, रेटिसेंट वो थोड़ा सा जो कंसाइज, मतलब टू दी पॉइंट बात करेगा, राइट, मतलब टू दी पॉइंट ही बात करेगा, दैट इज कॉल्ड रेटिसेंट। फिर आगे हमारा आएगा, रेटिसेंट को हम रिजर्व भी बोलते हैं, जो थोड़ा सा रिजर्व होता है बात करने में, ठीक है। टैसिटन इसका काफी अच्छा सिनोनिम है, टैसिटन हो गया, ये जिनोमिक हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वर्ड नंबर 10 आज का, दैट इज अनकाउच। अनकाउच, अनकाउच का मीनिंग क्या रहेगा? अनकाउच का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा जो इल ब्रेड होता है, या फिर यू कैन से अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड अनकाउच। ओके, कोर्स, इल ब्रेड, ऑकवर्ड, बुरिश, चर्लिश, चीप, अनप्रिंसिपल्ड, अनसिविलाइज्ड, राइट, दैट इज ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ अनकाउच, या फिर अनसिविलाइज्ड, इल ब्रेड, ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड, ऑकवर्ड हो गया, बुरिश काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, चर्लिश, ठीक है, और बाकी तो इजी वंस, राइट। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर अपना वर्ड नंबर 11, डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब क्या होगा? डेसिमेटेड का मतलब, इसका मतलब होगा एकदम सर्वनाश करना, राइट, या फिर यू कैन से तबाह करना, ठीक है। और डिस्ट्रॉयड इजी वन, एक्सटर्मिनेट, तो किसी को टर्मिनेट करना, राइट, टर्मिनेट कर देना मतलब उस इंसान को खत्म कर देना, वहां से निकाल देना या तबाह कर देना, राइट। तो एक्सटर्मिनेट को याद कर सकते हो आप टर्मिनेट से। डेमोलिश पता है आपको, एनिहिलेट, तबाही, है ना। डेसोलेट, डेसोलेटेड मतलब, है ना, और डेसोलेटेड को कई बार हम लोग अकेलापन की सेंस में ही बात करते हैं, डेसोलेट, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं लोनली, है ना, थोड़ा सा सैड टाइप, थोड़ा सा उस सेंस में भी हम डेसोलेट का भी यूज करते हैं, सैड की सेंस में। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का भी मतलब होगा तबाही, राइट, एनिहिलेशन, डेसोलेटेड, डिस्ट्रॉयड, राइट। फिर आगे हमारा आगे अपोजिट, ठीक है, रिपीटेड है ये, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक हमारा देखिए, अब अपोजिट को भी समझिएगा, एक तो ये अपोजिट होगा, ठीक है, ये वाला अपोजिट हो गया, एक अपोजिट होता है, ये अपोजिट को मत कंफ्यूज करिएगा इससे, ये अपोजिट है, इसका मतलब होता है एप्ट, एप्ट का मतलब एप्रोप्रिएट, ये अपोजिट आपको पता है, राइट। सो अपोजिट का मतलब होगा एप्रोप्रिएट, एकदम एप्ट, पर्टिनेंट मतलब रेलिवेंट जो होगी, जर्मेन, है ना, इसको जर्मनी से याद कर लो, मैंने ऐसे याद करा, जर्मनी काफी एप्रोप्रिएट कंट्री है रहने के लिए, राइट, क्योंकि लॉज एंड ऑर्डर काफी ज्यादा वहां पे स्ट्रिक्टली, है ना, फॉलो किए जाते हैं, सूटेबल। ओके, सो ये सारे के सारे हमारे सिनोनिम्स थे किस वर्ड के? द वर्ड वॉज अपोजिट। ओके, सो द नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इज इंडिग्नेशन। ओके, अब इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है इंडिजनेशन या फिर इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है यू कैन से सेल्फ रिलायंट, राइट, सेल्फ रिलायंट। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इसका मीनिंग है वो इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, रेज यू कैन से। ओके, एंगर, रेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंडिग्नेशन। ओके, so please remember the difference between indigenous and indignation, okay? So अब एक चीज याद रखिएगा, जो रेज वर्ड है ना, जहां पर भी जिस भी वर्ड में ये रेज वर्ड आ जाएगा, इट मीन्स दैट वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एंगर। ओके, वहां पे हमें एंगर का सेंस आएगा, जैसे अम्ब्रेज। ओके, अम्ब्रेज, अब इसमें वर्ड आ रहा है रेज, मैंने बोला आउटरेज। ओके, आउटरेज में भी रेज आ रहा है। So what does it mean? It means कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं, these two words are representing the word meaning anger, okay? Anger हो गया, annoyance हो गया, fury हो गया, ire हो गया, resentment, okay? या फिर irateness, बोलते ना don't, बोलते irritate, एक होता है irritate, एक होता है irate। Irate का मतलब गुस्सा होना, irate, ठीक है? Sorted. Next one is abysmal. अबिस्मल का मतलब क्या होगा? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अबिस्मल। सो द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी, इसके दो मीनिंग्स होते हैं वैसे, ठीक है? मैं यहां पे इसको इरेज करके लिख रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अबिस्मल, एक इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, राइट, और एक इसका मीनिंग होता है यू कैन से डेप्थलेस, मतलब जिसकी गहराई ना मापी जा सके, दैट इज ऑल्सो अ मीनिंग फॉर दिस वर्ड, ठीक है? ओके, अब देखिएगा, जैसे एक और वर्ड है वहां से मुझे याद आ रहा है, एग्जीक्यूटेड, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट ही मान लो, एग्जीक्यूट। अब इसके भी दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इंप्लीमेंट करना, राइट? नाउ व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दीज डिफरेंसेस, बिकॉज व्हेन यू आर सपोज टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? सो वहां पे ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, जैसे मैंने पीछे बताया इंडिजिनस हो गया, इंडिग्नेशन हो गया, ठीक है? ओके, और अब यहां पे बता रहा हूं एबिस्मल का, एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट के दो मीनिंग, इंप्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज किसी को फांसी देना या टू हैंग समवन, है ना? तो फांसी देना लिख रहा हूं यहां पे, इजीली याद रहेगा आपको, ठीक है? ओके, जैसे मैं बोलूं सरदार भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वहां पे इंप्लीमेंट नहीं करा गया होगा, दैट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ प्लान, है ना? तो एग्जीक्यूटेड इट मींस फांसी दी गई, राइट? सेम अबिस्मल के दो मीनिंग, एक्सट्रीमली बैड एंड अदर वन इज डेप्थलेस, जिसकी गहराई ना मापी जा सके, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग फॉर दिस वर्ड अबिस्मल। Okay, now let's come to the synonyms. First one is dreadful, ठीक है? Abominable, जिससे आप थोड़ा सा मतलब ऐसे याद करो हेट करते हो, जिससे आप हेट करोगे उसी के ऊपर आप you would prefer, है ना, कि जिसके ऊपर आप बम फेंकोगे। So abominable, awful, है ना, काफी ज्यादा terrible, profound। अब यहां से वो bottomless वाले मीनिंग स्टार्ट हो गए। Profound मतलब काफी डीप, एक्सट्रीम काफी ज्यादा गहरा, है ना? अनफैदमेबल, जिसको खोज मतलब खोदा ना जा सके या जिसको मापा ना जा सके, दैट इज अनफैदमेबल, बॉटमलेस, कंप्लीट, अटर। ओके, सो ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर अबिस्मल, राइट? आई होप दैट ऑल दीज मीनिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्लेयर। अब इसका मीनिंग होगा क्या, बताइए? फ्लेयर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है टैलेंट, ठीक है? फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, बात समझ आ रही है? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड समझते हो ना? एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आपका टैलेंट जहाँ पे देखा जा रहा है कि हाँ, नैक फ्लेयर, नैक का भी मतलब होगा टैलेंट। गिफ्ट पता है इजी वन, ठीक है। पेनेचे, कोई इसको पेने के पड़ता है, ठीक है। एक पेनेशिया होता है, इसका मतलब होता है क्योर ऑल, रामबाण, है ना। फिर आता है वर्व, वीईआर वीई वर्व, फिर आता है मास्टरी, राइट। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद में राउट। राउट का मतलब क्या होगा बताइए। इसका मन मीनिंग होगा डिफीट करना, किसी को पीछे हटाना, रिट्रीट करना, है ना, क्रश कर देना, किसी को कुचल देना। स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन, ठीक है, स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन। एक हमारा इडियम होता है ऑल एट सी, ऑल एट सी, ठीक है। इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, या फिर एक और वर्ड अच्छा काफी, परप्लेक्स्ड। एंड मुझे जहां तक याद है मैंने आपको एक करवा रखे हैं, परप्लेक्स्ड, राइट। स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन, डिस्कम्फिट, ठीक है, डिस्कम्फिट। ओके, फ्लिम्जी, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है बताइए। फ्लिम्जी का मतलब होता है वेरी वीक, ठीक है। फ्रेजाइल, यू कैन से फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब काफी ज्यादा नाजुक, जो इजिली ब्रोकन, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, राइट। सो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, वीक। अब व्हाट आर द सिनोनिम्स, इनसब्सटेंशियल, ओके, इनसब्सटेंशियल, स्लाइट, बिल्कुल थोड़ा सा ना, फ्रेजाइल, वोबली मतलब कमजोर है जो, है ना। फ्रेल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, फ्रेल, फ्रेल मतलब कमजोर। डायाफेनस, डायाफेनस, ओके। सो द डायाफेनस, इट मीन्स something that is very fragile or you can say very weak, ठीक है, very weak या very thin, okay। next word is perquisite। perquisite का मतलब होता है privilege। अगर किसी को वो चीज gifted है ना, so that is privilege, या you can say profit gain, है ना, perquisite। you can say शान भी, इसको केवल शान और शौकत के मतलब, है ना, उस तौर पर भी इस word को use करा जाता है, that is प्रॉफिट इंसिडेंटल टू रेगुलर सैलरी, जिसको हम बोलते हैं वेजेस या पर्क या बोनस, एक्स्ट्रा। सो वो किसकी कैटेगरी में, परक्विजिट के सिनोनिम्स हो जाएंगे सारे। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड परक्विजिट, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट, इसका मतलब होता है किसी को अभिशाप देना, किसी को कर्स करना, ठीक है, किसी को हेट करना, अभोर, अबोरेंस, है ना। किसी अबोर का मतलब होता है हेट, टू हेट समवन। अबोमिनेबल सेम, टू हेट समवन। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को त्याग देना। और आप किस चीज को कब त्यागते हो, जब उस चीज से आप नफरत करते हो, राइट। रनाउंस करना, डिनाउंस करना, रनाउंस भी एक त्यागना में आता है, रनाउंस, ठीक है, डिनाउंस त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पोइग्नेंट, एडजेक्टिव है, ठीक है, पोइग्नेंट। इसका मीनिंग होता है सैड रहना, थोड़ा सा, है ना, निराशावादी, हार्ट ब्रेकिंग, इमोशनल, डिस्टर्बिंग, हार्ट रेंडिंग, सेंटिमेंटल, है ना, इजी वन। बट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पोइग्नेंट, सैड। नेक्स्ट वन इज प्रीपोंडरेंस। स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, प्रीपोंडरेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक है। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, ओके। नोट वर्दीनेस, या फिर द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। मान लो कोई भी शेयर है, ठीक है, अब मैंने बाकी को इतना पार्ट दे दिया, खुद मैंने अपने लिए ये पार्ट रख लिया, तो दैट इज प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस इट मीन्स डोमिनेंस, राइट। बात समझ आ रही है, ओके। तो ये आपको अच्छे से वर्ड्स को इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और अलॉन्ग विद दिस आप जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं या जो भी आपको कॉम्प्रिहेंशंस करवाए जा रहे हैं, प्लीज़ उनको भी करते रहिएगा, उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अभ्यास 2.0 के बारे में इंट्रोड्यूस करा था, दिस इज़ एन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच विच विल लास्ट फॉर 75 days, बट यू विल गेट, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल सकती हैं, CSAT, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेंगी, ठीक है। बिकॉज टेस्ट सीरीज़ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और इस टाइप का एग्ज़ाम हो तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद मेंटरशिप, ये बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यू कैन जॉइन अस, यू कैन प्रिपेयर योर, यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन, ठीक है। एंड जो चीज़ आपको 1.5 साल 2 साल में मिल सकती है, यू कैन गेट दैट इन 1 ईयर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए और बस पढ़ते रहिए, ओके।